हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, जय श्री श्याम। कैसे हो दोस्तों आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। प्रार्थना करूँगी ईश्वर से कि आपको हमेशा खुश रखे। तो देखिए, आज की वीडियो हमारी बहुत ही खास और बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, बहुत ही स्पेशल होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं दोस्तों कि आखिर आपका भाग्य आपको क्या देना चाहता है, क्या होगा आपके साथ में, जीवन में क्या है जीवन की असली सच्चाई। तो वीडियो महत्वपूर्ण है, प्लीज़ इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन पर दो मछलियां दिखाई दे रही होगी, फर्स्ट गोल्डन, सेकंड सिल्वर। इन दोनों में से जो भी आपको अच्छी लगे अपनी तरफ अट्रैक्ट करें, जल्दी से उसे चूज़ कर लें। उसके बाद हम देखेंगे कि आपका भाग्य आपको क्या देना चाहता है, क्या कह रहा है आपका भाग्य, आखिर क्या लिखा है आपकी किस्मत में। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। फर्स्ट नंबर जिन्होंने भी चूज़ करा है, पहले नंबर की फिश यानी कि मछली गोल्ड कलर की जिन्होंने चूज़ करी है, उनके लिए देख लेते हैं आपका भाग्य आपको कहाँ लेकर के जाता है, आखिर क्या कहना चाहता है आपका भाग्य आपसे, किस तरह की सफलता लिखी है आपकी किस्मत में। अचानक से आपके खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, जिन पर कंट्रोल करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप खुद देखिए, आपकी लाइफ में जितने ज़्यादा अभी तक खर्चे नहीं हुए हैं, इस मंथ में काफ़ी खर्चे आपके हो चुके हैं, और अभी एंडिंग में भी कुछ खर्चे ऐसे आने वाले हैं जिनके बारे में आपने शायद सोचा भी नहीं होगा, मतलब अचानक से जो खर्चे होते हैं। फिलहाल कमाई को बढ़ाने पर ध्यान दें, इनकम को जितना हो सके बढ़ाने पर ध्यान दें, आपका ध्यान भटक रहा है। पर्सनल लाइफ में आ रहे बदलाव के कारण काम के लिए आपको प्रेरणा मिलती रहेगी। लक्ष्य पूरा होने से स्वभाव में भी बदलाव आएगा, बहुत जल्दी सफलता मिलेगी। जो लक्ष्य है वो लक्ष्य भी पूरा होगा, जीवन में बहुत जल्दी आप आगे बढ़ेंगे, व्यापार के बेहतर अवसर आपको मिलेंगे। इन अवसरों के बारे में विचार जरूर करें। जिन कामों से संबंधित नाराज़गी है वो दूर होगी। विचारों में बदलाव होने से व्यक्तित्व भी बदलेगा, इस कारण नई ऊर्जा के साथ हर एक बात को समझना संभव होगा। परिवार के लोगों के लिए बढ़ रहा क्रोध आपका नुकसान कर सकता है, क्रोध की वजह से गलत निर्णय ना लिया जाए इस बात का भी ध्यान रखें। किसी व्यक्ति के साथ करीबी रिश्ता महसूस होगा, इस वजह से अपने विचार और भावनाओं को आप आसानी से प्रकट कर पाएंगे। लोगों से मिल रहा संयोग आपके लिए बहुत लाभदायक साबित होगा। भाग्य आपका बहुत उज्ज्वल है, पैसा बहुत है, लेकिन आप कद्र नहीं करते, आप पैसों की कद्र नहीं कर पाते हैं। जीवन में आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाते, आप लाइफ में कभी ये नहीं सोचते कि यार हम जो कर रहे हैं उससे सामने वाले पर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, सामने वाला क्या सोचेगा, उसने लाइफ में क्या करा है, कैसे वो आगे बढ़ रहा है। देखिए, जो कंडीशन, जो सोच हमारी हमारे लिए होती है कि हम अच्छे हैं, हमने कभी किसी का बुरा नहीं करा, हमने हमेशा सभी का अच्छा सोचा, ऐसी सोच सामने वाले के लिए भी रखें, क्योंकि पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप पॉजिटिव नहीं होंगे तब तक जीवन में परिवर्तन नहीं आएगा, और जीवन में जो भी परिवर्तन आ रहा है उसे पॉजिटिविटी के साथ अपनाएं, है ना। चाहे लाइफ में कितना ही बड़ी परिवर्तन आ जाए, कोई विश्वासघात हो जाए, या यूँ कहें कोई छोड़ कर चला जाए, या यूँ कहें कि जॉब चेंज हो रही है, मतलब इस तरह के जो परिवर्तन अगर आ रहे हैं तो पॉजिटिविटी के साथ उन्हें अपनाएं। अभी तक जो भी अपेक्षाएं अधूरी थी, जो भी इच्छाएं अधूरी थी, मन में जो मनोकामनाएं अधूरी थी, अब वो पूरी होती हुई दिखाई दे रही, तो रिलैक्स रहें, टेंशन फ्री रहें, बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, अब वो इच्छा आपकी ज़रूर पूरी होगी। और कुछ निर्णय लेते समय परिवार के लोगों के खिलाफ आपको जाना पड़ सकता है, तो इन बातों का भी विशेष ध्यान रखें कि परिवार के लोगों के खिलाफ आपको बिल्कुल नहीं जाना है। करियर में बहुत बड़ा अवसर आपको मिलेगा, जिसके जरिए प्रसिद्धि भी मिलेगी। अटके हुए पैसे प्राप्त करने के लिए प्रयत्न बढ़ाने की ज़रूरत है। कुछ लोग आपके स्वभाव का गलत फ़ायदा भी उठा सकते हैं, खास करके जब पैसों से संबंधित बातें हों, तो आपको विशेष करके ऐसे लोगों से दूरी बना लेनी है। इन लोगों का विशेष ध्यान रखना है जो आपका फ़ायदा उठा रहे हैं, जो नेगेटिव बन रहे हैं। खास देखिए, प्रॉपर्टी के लेन देन की चर्चा बाहरी लोगों के सामने ना करें। परिवार के लोगों के साथ उतार चढ़ाव रहेगा, लेकिन आपसी बातचीत से इसे आप दूर कर सकते हैं। करियर में जो बदलाव आप लाना चाहते हैं उसके लिए अभी वक्त लगेगा, फिलहाल जो काम हाथ में है केवल उस पर ध्यान दें। अभी तक जो सफलता आपने प्राप्त की उससे खुद के लिए विश्वास बढ़ेगा,
बड़ी खरीदारी की वजह से जीवन शैली में बदलाव होगा। पैसों का इस्तेमाल सही तरीके से करना होगा। निवेश पर ध्यान देंगे तो आर्थिक पक्ष आपका मजबूत हो सकता है। महिलाओं को सफलता मिलेगी। फिलहाल करियर पर फोकस रखें। लोगों की बातों को ना समझने से कुछ लोग आपसे दूरियां बना सकते हैं। तो भैया सुनने की आदत भी डालिए। ऐसा नहीं है कि जो आपने सोच लिया, जो आपने मान लिया या जो आपने करा वही सही है। कहीं ना कहीं आपको लोगों की बातों को भी सुनना और समझना चाहिए, उनका समाधान ढूंढना चाहिए। अगर आपकी वजह से दूसरों को परेशानी हो रही है तो वे लोग आपके लिए नेगेटिव सोच बना सकते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखें। फिलहाल आर्थिक पक्ष को मजबूत बनाने के लिए जो उत्तम समय आपको मिला है वो समय आपको कहीं नहीं मिल सकता। अपनी गलतियों को समझे और अपने समय को उत्तम बनाए। आपको मिले परिचित लोगों की वजह से बहुत बड़ी समस्या का आपका हल होगा। जो लोग सतर्कता बस आपको रखनी होगी, जो लोग राजनीति से जुड़े हैं वो कहीं ना कहीं आपकी समस्या का हल निकाल सकते हैं। घर के किसी व्यक्ति के साथ में लेन देन का थोड़ा ध्यान रखें। तो दोस्तों बात करते हैं सेकंड नंबर की। जिन्होंने भी सेकंड नंबर चूज़ करा है, आपका भाग्य आपके लिए बहुत कुछ लेकर के आया है। बस ज़रूरत है तो इस समय को समझने की, ज़रूरत है तो इस समय को जानने की। बहुत अच्छा और बहुत ख़ास समय आपको मिला है। बिल्कुल रिलैक्स रहें, टेंशन फ्री रहें, जीवन में हमेशा आगे बढ़ने पर ध्यान दें और हमेशा इस बात पर फोकस करें कि ईश्वर की कृपा है आपके ऊपर। इसलिए डेडिकेशन जितनी जल्दी आपका बढ़ेगा आपको उतनी जल्दी फ़ायदा भी होगा। तकलीफें आपकी जिद की वजह से ही होगी। परिवार के हर एक व्यक्ति के जीवन पर नियंत्रण बनाए रखना गलत है। यदि आप किसी व्यक्ति की मदद कर रहे हैं तो उनके विचारों को समझने की कोशिश करें। परिवार के किसी व्यक्ति को आर्थिक नुकसान का असर आप पर हो सकता है। आपसे जुड़ा कोई व्यक्ति खुलकर अपने विचारों को प्रकट नहीं कर पाएगा। कुछ हद तक आपको उनकी बातें समझने की कोशिश करनी होगी, तभी आपसे संबंध सुधरेंगे। घर पर मेहमानों का आना जाना तो लगा ही रहेगा। आर्थिक पक्ष सुधारने के लिए दो अलग कार्य जो है वो आपको मिल सकते हैं। तो जीवन में हमेशा आगे बढ़ने पर फोकस करें, टेंशन फ्री रहें, ज़्यादा लोड नहीं लेना है। बाकी जिन्होंने भी सेकंड नंबर चूज़ करा है वो हमेशा लाइफ में आगे बढ़ेंगे। और इतना ध्यान रखें दोस्तों कि शुरुआत मौज मस्ती पर थोड़ा ध्यान आपको हटाना चाहिए और कहीं ना कहीं अचानक आई समस्या की वजह से जीवन में भागदौड़ भी हो सकती है। तो किसी की सलाह अगर मिल रही है अनुभवी की तो ज़रूर लें। नए कॉन्ट्रैक्ट, नए काम पर शुरुआत होगी, नए नए क्लाइंट आपको मिलेंगे, काफ़ी कुछ नया नया होने वाला है। तो भाग्य में तो बहुत उन्नति लिखी है, लेकिन दिक्कत ये है कि आप सहन नहीं कर पा रहे। जो लोग आपके काम से जुड़े हुए हैं केवल आप उनके ही साथ वक्त बिताते हैं। किसी से भी नया अनुभव लेने की कोशिश करें, नई जानकारियाँ लेने की कोशिश करें, तभी आप जीवन में आगे बढ़ेंगे। अभी फ़िलहाल तो आपकी कंडीशन बहुत अच्छी दिखाई दे रही है, मेंटलिटी भी और फिजिकली भी और फाइनेंशियली भी, है ना। तो फाइनेंशियली भी कोई बहुत ज़्यादा बड़ा इशू नहीं है, छोटा मोटा है, हो जाएगा। बहुत ज़्यादा टेंशन लेकर के, लोड लेकर के आप उसे बढ़ा रहे हो बस, लेकिन इतना बड़ा लोड नहीं है। मेहनत के बहुत अच्छे परिणाम आपको मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। व्यवहारिक थोड़ा सा नज़रिया आपको रखना होगा। जो लोग आपके खिलाफ है वो अब आपके पक्ष में आने वाले हैं। बस इतना ध्यान रखें कि कभी भी भावनाओं में आकर के कोई फैसला ना लें। कहीं ना कहीं थोड़ा सा समय ले सोचने समझने में। बहुत जल्दी देखिए बिजनेस में नया काम आपको मिलने वाला है, क्योंकि आप हो सकता है जॉब चेंज करने की सोच रहे हो। थोड़ा सा रुकिए, जब तक आपको दूसरा काम नहीं मिलता आप इस काम को ना ही छोड़ें तो अच्छा है। निजी कामों को लेकर के असमंजस्य की स्थिति रहेगी। कभी कभी अपने बारे में ज़्यादा सोचना और थोड़ा स्वार्थ होने की वजह से संबंधों में खटास हो सकती है। तो समय बहुत अच्छा है, बस थोड़ा सा लोड कम लीजिए और जीवन में आगे बढ़ने पर फोकस करें। जितना ज़्यादा आप लाइफ में आगे बढ़ेंगे उतनी जल्दी आपकी जीवन में ग्रोथ आपको दिखाई देगी। आपको थोड़ा सा पॉजिटिव सोचना पड़ेगा। आप क्या बहुत ज़्यादा गम में, उदास में रहना, सैड सॉन्ग सुनना, मतलब कुल मिलाकर के बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रहे हैं, जो कि ठीक नहीं है। एक हद तक इंसान का नेगेटिव, बहुत ज़्यादा नेगेटिव होना, क्योंकि उसकी ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा गम आ गया, कोई ऐसा इंसान उसको छोड़ कर चला गया जिसके बिना वो रह नहीं सकता। लेकिन मृत्यु अटल सत्य है, इसे हमें मानना होगा, इसे हमें समझना होगा और हमें मूव ऑन करके जीवन में आगे बढ़ना होगा। बाकी सब कुछ अच्छा है, भाग्य पूरा आपके पक्ष में, बस थोड़ा थोड़ा परिवर्तन होता रहता है। जिन लोगों से आप बहुत ज़्यादा प्रेम भाव रखते हैं वहीं आपसे दूर होते हैं, जिन लोगों से बाउंडिंग अच्छी होती है वहीं आपसे दूर हो जाते हैं। मतलब कुल मिलाकर के
फ्रेंडशिप में बहुत जल्दी रिश्ते आपके टूट जाते हैं, किसी से बनती भी ज़्यादा आपकी है नहीं। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, साथ ही वीडियो को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी, हर हर महादेव।